द थीव्स स्टोरी। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। तो यहाँ पर एक लड़का है जो बहुत कम उम्र का है और वो किसका दोस्त बन जाता है, अनिल का। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। तो अनिल उसका बहुत उस पर बहुत भरोसा करता है और उसको अपने वहाँ काम पर भी रख लेता है। डज द बॉय बिट्रेस हिज ट्रस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्या वो जो लड़का है वो उसको धोखा देता है। नाउ वी विल डिस्कवर अबाउट दिस क्वेश्चन, ओके, विल गेट दिस आंसर फ्रॉम द चैप्टर, सो हियर वी गो। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तो वो लड़का क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, ओके, यहाँ पर उसकी उम्र क्या है, 15, हिज एज इज 15। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो वो क्या बोलता है कि भाई मैं बहुत अनुभवी था और बहुत सफाई से मतलब हाथ साफ कर लेता था, ओके। तो ये बहुत अपनी लाइक यू कैन से अपना एक्सपीरियंस बता रहा है वो, ओके। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो अनिल क्या कर रहा है अभी सीन में, यहाँ पर अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा है, कुश्ती का खेल देख रहा है, और उसी टाइम पर ये जो चोर है वो उसके पास आता है। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, ओके। तो यहाँ पर जो अनिल की एज क्या है वो 25 साल है। तो अनिल की एज 25 है, एक लंबा सा लड़का, ठीक है, और दुबला पतला, ओके। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और देखकर ऐसा लग रहा था कि इसको तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, इससे तो आसानी से चोरी हो सकती है। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, क्योंकि वो बहुत दयालु लग रहा था, काइंड एंड सिंपल, और बहुत साधारण सा व्यक्ति था, और जैसे ही चोर उससे चोरी करना चाहता है तो उसके लिए बिल्कुल सही इंसान है। आई हैडन्ट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो कह रहा है कि मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार मतलब करने का समय तो था नहीं, तो उसने सोचा कि भाई जल्दी से जल्दी इसको इसका कॉन्फिडेंस जीत लो, इसका भरोसा जीत लो, ठीक है, ताकि हम अपना काम कर सकें। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेस्लर योर सेल्फ इज सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है। मक्खन लगाने का काम कर रहा है यहाँ पर ये जो चोर है, ठीक है, तारीफ कर रहा है, और क्या कहता है, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेस्लर योर सेल्फ, तुम खुद एक, ठीक है, एक रेस्लर की तरह दिखते हो। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो पलट के जवाब क्या देता है, अनिल पलट के जवाब देता है कि क्या तुम हो, क्या तुम रेसलर हो, ठीक है। तो ये जो चोर है वो एकदम शांत हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोले। Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Okay. तो ये कह देता है जो चोर होता है, वो कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत मैं कुश्ती कर लेता हूँ, ठीक है। तो इससे नाम पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, कौन पूछता है, अनिल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और ये अपना नाम क्या बताता है, हरी सिंह, ओके। सो जस्ट लाइक रिमेंबर दिस कि उसने, चोर ने अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह बताया। आई लाइड, अच्छा जो नाम उसने बताया वो झूठा नाम बताया, उसने सही नाम नहीं बताया है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो वो क्या कहता है, वो मतलब बता रहा है खुद से ही, मतलब अंदर सोच रहा है कि मैं हर महीने नया नाम लेता हूँ, क्यों लेता हूँ, ताकि मैं पुलिस से बच सकूँ और जो एम्प्लॉयर्स हैं जो भी है, ठीक है, जहाँ मैंने पहले ये सब किया है उनसे भी बच सकूँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड रेस्लर हु वर ग्रांटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। तो अभी क्या होता है, इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो अनिल फिर क्या कहता है, अनिल बातें करने लगता है वेल ऑइल्ड रेस्लर। वेल ऑइल्ड रेस्लर का मतलब क्या है, कुश्ती जब की जाती है तो तेल से मालिश होती है पूरे शरीर पर, इसलिए बोला गया वेल ऑयल्ड रेसलर्स। तो वो एक दूसरों को उठा रहे हैं, पटक रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कुश्ती हो रही है। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। तो क्योंकि इसके पास, चोर के पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं, अनिल वहाँ से चलता है तो ये भी पीछे पीछे चला जाता है। हेलो अगैन, ही सेड। तो अनिल दोबारा से कहता है, क्या कहता है, हेलो। I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. तो ये क्या कहता है, ये जो चोर होता है वो कहता है कि मैं, ठीक है, और पहले तो मुस्कुराता है, बहुत प्यारी सी स्माइल देता है, और फिर कहता है मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल पलट के क्या कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा, मैं मतलब तुम्हें काम के पैसे नहीं दे पाऊँगा, ओके। सो दिस हैपन्स, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट पर हैप्स आई हैड मिसगाइडेड misjudged my man, I ask, can you feed me? तो वो क्या कहता है, वो पहले एक मिनट के लिए सोचता है, चोर एक मिनट के लिए सोचता है, फिर सोचता है कि शायद मैंने इसको गलत समझा, ठीक है। तो क्या कहता है, कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो, कैन यू फीड मी, ठीक है, कैन यू कुक। तो पलट के फिर जवाब, मतलब सवाल का जवाब सवाल में ही आ रहा है कि क्या तुम खाना बना सकते हो, कैन यू कुक।
तो ये कह देता है आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, ये फिर से झूठ बोल देता है। चोर फिर से झूठ बोल देता है, कह देता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो क्या कहता है, कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो हाँ मैं शायद तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। ओके, इसका जो कमरा है, अनिल का कमरा है, वो कहाँ पर है, ठीक है, जमुना स्वीट शॉप के पास। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और इससे कहता है जो हरी सिंह, इसने चोर ने अपना नाम बताया है, तो अनिल हरी सिंह से कहता है कि तुम बालकनी में सो जाना। ओके, तो सोने की जगह भी तय हो गई। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। तो क्या होता है, ठीक है, जो इसने उस रात खाना बनाया होगा तो वो कह रहा है कि वो बहुत ख़राब हुआ होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि अनिल ने क्या किया था खाने के साथ, ठीक है, ये पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्यों उसको ऐसा लगा, क्योंकि अनिल ने वो खाना रोड के डॉग्स को डाल दिया था और इससे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ। ओके, बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। लेकिन ये क्या करता है हरी सिंह, या फिर जो चोर है वो क्या करता है, वो सिर्फ मुस्कुराता है, ठीक है, और इस बात से जो अनिल होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है कि भाई ठीक है कर देते हैं मदद, ठीक है, और वो हंसने लगता है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड आई टीच यू टू कुक। तो क्या कहता है अनिल, कहता है कि ऐसे सर पे थपथपाते हुए कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें सिखाऊंगा खाना कैसे बनाते हैं। ओके, आई टीच यू टू कुक। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम। ओके, तो जो अनिल है वो क्या बताता है, वो क्या सिखाता है इसको, हरी सिंह को या जो चोर है उसको, अपना नाम लिखना भी सिखाता है। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स, और साथ ही साथ कहता है अनिल, कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें लाइक पूरा का पूरा सेंटेंस बनाना भी सिखा दूंगा और नंबर्स को जोड़ना भी सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, तो कह रहा है कि भाई, मतलब चोर को ऐसा लगता है भाई मुझे अच्छा लगा, ठीक है। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, क्योंकि ये चोर जानता था, इसमें इतनी तो समझ थी, वो ये जानता था कि अगर एक बार, ठीक है, ये लिखना सीख गया एक पढ़े लिखे इंसान की तरह, तो कोई लिमिट नहीं रहेगी और ये जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएगा। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, तो क्या बोलता है, कहता है कि अनिल के लिए काम करना काफ़ी, ठीक है, अच्छा है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज। तो सुबह क्या करता है, सुबह चाय बनाता है ये, मतलब जो चोर है वो सबके लिए चाय, दोनों के लिए चाय बनाता है, और फिर जो भी सामान होता है दिन भर का, ठीक है, जो भी राशन वाशन या जो भी लाना होता है, तो वो सब लेने के लिए निकल जाता है, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 1 रुपया डे, और एक दिन में 1 रुपए का प्रॉफिट कर लेता है। कैसे प्रॉफिट कर लेता है, ठीक है, आई विल टेल यू। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, ठीक है, मतलब सामान मान लो कि भाई 9 रुपए का पड़ रहा है और इसने 10 रुपए बता दिए तो 1 रुपए अपनी जेब में डाल दिया, इस तरीके से इसने पैसा कमाया। ओके, तो आई थिंक ही न्यू, अच्छा चोर को ये भी लगता है कि जो अनिल है उसको ये बातें पता हैं कि मैं इस तरीके से पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन उसने कभी भी कुछ कहा नहीं इस बात को लेकर। ओके, सो दिस वॉज लाइक अ लिटिल इंसिडेंट, नाउ वी आर मूविंग टू आर नेक्स्ट पेज। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड द नेक्स्ट। अच्छा, अनिल की भी जो लाइक सिचुएशन है वो सही नहीं है। ओके, उसके उसको भी उसको मनी के साथ बहुत प्रॉब्लम है, मनी को लेकर, तो वो क्या करता है, एक दिन उधार लेता है, ठीक है, एक हफ्ते उधार लेता है और दूसरे हफ्ते उसको चुकाता है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, क्योंकि उसका अभी वो कह रहा है कि अगला चेक जब तक नहीं आता तब तक टेंशन ही है। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही चेक आ जाएगा वो बाहर जाके, ठीक है, खूब इंजॉय करेगा, उसको सेलिब्रेट करेगा। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, क्लियर, तो ऐसा लगता है कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है और इसी तरीके से अपना जीवन यापन करता है। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, तो अब एक शाम की बात है, उसके हाथ में एक नोटों की गड्डी थी, ठीक है, नोट्स की एक बंडल थी। ओके ओके, saying that saying he had just sold a book to a publisher, और क्या कहता है, कहते हैं कि उसने एक पब्लिशर को अपनी एक किताब बेच दी है। At night I saw him tuck the money under the mattress, और रात में जो अनिल होता है वो उस पैसे को गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे रख देता है, और ये सारी चीज़ें कौन देख लेता है, वो चोर जिसका नाम उसने हरी सिंह बताया है खुद का, क्लियर, तो वो उसको देख लेता है सारी चीज़ों को। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. तो क्या कहता है, कहता है कि भाई मैं लगभग लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा हूँ,
ठीक है, और सिर्फ शॉपिंग में जो भी पैसे होते थे उसको थोड़ा बहुत चीटिंग कर लेता था, उसके अलावा मैंने कुछ भी चोरी को लेकर नहीं किया है, लाइन ऑफ वर्क मतलब जो उसका काम है उसको लेकर उसने कुछ भी नहीं किया है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, तो कह रहा मेरे पास बहुत मौके थे लेकिन मैंने कुछ किया नहीं ऐसा। अनिल हैड गिवन मी द की टू द डोर, तो अनिल ने इसको अपने घर की चाबियां भी दे रखी थी, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और ये क्या कहता है कि मैं जब आना चाहता हूँ आ सकता हूँ और जब जाना चाहता हूँ जा सकता हूँ, ठीक है अपने हिसाब से। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, तो कह रहा है कि भाई मुझे इससे ज़्यादा ठीक है ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको मुझ पर इतना भरोसा हो, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। अच्छा, वॉट इज़ द रीज़न कि इसने अभी तक इसको लूटा नहीं है, ओके तो यहाँ पर उसके बारे में वो बताएगा, कह रहा है इसी वजह से मैंने उसको रॉब नहीं किया। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, ओके तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लालची इंसान को लूटना बड़ा ठीक है आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो लालची है और वो जो अगर वो लूटेगा तो वो इस चीज़ को अफोर्ड भी कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, ठीक है वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल की बात ये है कि एक केयरलेस मैन जो है उसको रॉब नहीं कर सकते। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड, ठीक है क्योंकि कभी कभी ऐसे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनको लूटा गया है, एंड That takes all the pleasure out of the work. तो ये जो पैरा पूरा जो पैराग्राफ है क्लियर, तो इसको एज अ आंसर लिख सकते हो क्योंकि क्यों उसने अनिल को रॉब नहीं किया और क्या उसके अंदर वो विचार थे। तो वो क्या कहता है, कहता है कि अगर उनको लूटेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा और इसमें काम में कोई मज़ा नहीं आता, जब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसको लूटा गया तो क्या मज़ा है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, कह रहा है लेकिन अब समय आ गया है और मैंने कुछ ठीक है असल का काम किया है। I told myself I am out of practice. वो कहता है खुद को बताता है कि अब तुमने बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं की है चोरी की, तो तुम प्रैक्टिस से बाहर हो चुके। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो खुद को क्या समझा रहा है कि अगर मैंने ये पैसा नहीं लिया तो ये वैसे भी अपने दोस्तों पर लुटाने वाला है। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और वैसे भी ये मुझे कुछ पैसे तो देता नहीं है, घर का काम करवाता है मुझे, अपने वहाँ रखा हुआ उसका काम का कोई पैसे तो दे नहीं रहा है क्लियर, और अगर मैं पैसे नहीं लूंगा तो कल जाके क्या करेगा अपने दोस्तों के ऊपर बर्बाद कर देगा। तो ये पूरा इसके अंदर एक ऐसे तरीके से भावना आई। ओके, अनिल वॉज अस्लीप, तो अनिल इस वक्त सोया हुआ है। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, तो चांद की रोशनी आ रही है बालकनी से और बेड तक आ रही है। आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, तो ये जमीन पर बैठ जाता है पूरी सिचुएशन को समझता है। आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, और उसने पैसे लूट लिए, ओके पैसे ले लिए और कह रहा है कि मैं 10:30 की जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको उससे मैं लखनऊ चला जाऊंगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, ओके तो कह रहा है पैसे लेकर मैं भाग जाऊंगा यहाँ पर। अब क्या कर रहा है वो, ठीक है वो धीरे से अपने ब्लैंकेट से निकलता है और धीरे धीरे स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट, मतलब क्रैप मतलब ठीक है घुटनों के बल जाना या नीचे नीचे एकदम जाना, ओके बेड की तरफ वो जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल एकदम शांति से सो रहा है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, ठीक है उसका चेहरा जो था वो एकदम साफ, उस पर कोई झुर्रियाँ कोई लाइन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, तो क्या कहता है ठीक है अनिल से ज़्यादा तो मेरे चेहरे पर निशान है, ओके दो माइंड वॉज वर मोस्टली स्कार्स, कह रहा है कि मेरे ज़्यादातर निशान है चेहरे पर। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, तो अब धीरे से वो अपना हाथ मैट्रेस के नीचे डालता है और नोट्स को ढूंढता है, ओके जो गद्दी रखी हुई है वो कहाँ पे है तो वो ढूंढ रहा है। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, और जब उसको वो गद्दी मिल जाती है तो धीरे से उसको बाहर निकाल लेता है बिना आवाज करे। अनिल सेड इन द स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, ओके टुवर्ड्स मी, तो अनिल ने नींद में मतलब सांस लेने की जो आवाज होती है क्लियर, तो वो किया और इस चोर की तरफ मुड़ जाता है, करवट ले लेता है, ओके आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल आउट ऑफ द रूम, ठीक है तो एकदम से जल्दी से भागा वहाँ से, ठीक है और रूम से बाहर निकल गया क्लियर। सो दिस वॉज द कम्प्लीट इंसिडेंट। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन, और जब वो रोड पर था वो दौड़ने लगता है, जो चोर है वो दौड़ने लगता है। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास, ठीक है तो उसने अपनी कमर में उन नोट्स को बांध रखा है पजामा के ठीक है नारे से। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, अब क्या होता है वो क्या कहता है, कहता है कि जैसे वहाँ से भाग जाता है लेकिन फिर धीरे धीरे आगे जाके ठीक है चलने लगता है वो और नोट्स को गिनता है। 650s, ओके तो 600 रुपीज़ है 50s के नोट्स हैं, ओके ओके। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू,
कह रहा मैं बहुत अमीर तरीके से रह सकता हूँ, एक ऐसे अमीर तरीके जैसे कोई ऑयल रिच अरब हो, ठीक है, अरब में जो शेख वगैरह होते हैं उनकी तरह मैं 2 हफ्ते तक तो रह ही सकता हूँ, ठीक है। तो ये बात वो बोलता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. तो जब ये स्टेशन पर जाता है ये टिकट भी नहीं लेता है, टिकट ऑफिस पर भी नहीं। I had never bought a ticket in my life. तो ये ऑब्वियस सी बात है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है मैंने अपने जीवन में आज तक टिकट नहीं खरीदा। But dashed straight to the platform. तो सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ चला जाता है। The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस थी वो बस जा ही रही थी, निकल ही रही थी स्टेशन से। The train had still to pick up speed. लेकिन ट्रेन अभी धीमी है, ट्रेन और ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी है। तो कह रहा है कि ट्रेन को अभी स्पीड पकड़ना बाकी था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और कह रहा मैं आसानी से उसमें कूद सकता था, एक एक डिब्बे में मैं कूद जाता, ठीक है। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, तो कह रहा लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, मैंने हेजिटेट किया, ठीक है, मुझे उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो ये करना नहीं चाह रहा था। और क्या कह रहा है, फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, और किसी वजह से मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ऐसा मैंने क्यों किया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वो मौका खो देता है भाग जाने का। तो भाग जाने का मौका उसने खो दिया उस चोर ने। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, अब जब ट्रेन चली जाती है तो वो पूरे प्लेटफॉर्म पर अकेले होता है, डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहाँ पर एक भी इंसान नहीं था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं कहाँ पर रात बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्लियर, इसका इसके पास कोई दोस्त भी नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसके पास दोस्त नहीं है, क्यों नहीं है, क्लियर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है, क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो ट्रबल होते हैं, मतलब परेशानी ज़्यादा होते हैं ना कि मदद करते हैं, ठीक है, परेशानी ज़्यादा देते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels. तो क्या कहता है, ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझ कोई curious हो जाए एकदम से, कोई मेरे को लेकर जिज्ञासा बढ़ ले, क्योंकि मैं किसी होटल में अगर रुक जाऊँगा स्टेशन के आसपास। The only person I knew really well was the man I had robbed. कह रहा अगर मैं किसी को अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, किसी को भी अच्छे से जानता हूँ तो मैं उसे ही जानता हूँ जिसको मैंने लूटा है। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. तो स्टेशन छोड़ने के बाद वो धीरे धीरे बाजार से होता हुआ जा रहा है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, तो क्या कहता है, ठीक है, मेरे छोटे से जो चोरी का करियर है, ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छी चीज़ जो क्या सीखी है कि लोगों का चेहरा पढ़ना सीखा है, खासतौर पर तब जब वो अपनी कोई चीज़ खो देते हैं। ओके, एंड इसके आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान होगा उसको डर रहेगा। The rich man showed anger, जो अमीर होगा उसको गुस्सा आएगा, ठीक है, कोई चीज़ खोने के बाद। The poor man showed acceptance, और जो गरीब आदमी होगा, गरीब इंसान होगा, वो कहेगा चलो ठीक है, ये भी किस्मत में है, गया तो गया, अब क्या कर सकते हैं। So it happens like that. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. अब क्या कहता है, कहता कि मुझे पता है कि जो अनिल का चेहरा है, जब उसको पता चलेगा कि मैं चोर था तो उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी होगी, क्लियर। तो ये बात वो बोलता है, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, इसलिए नहीं कि पैसा चला गया, पैसे के खोने का उसको कोई गम नहीं होगा, ठीक है, दुख तो इस बात का होगा कि उसका विश्वास टूट गया, अनिल का विश्वास टूट गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, मैदान, ओके, तो एक मैदान था वहां पर, और वहां पर जाके वो बेंच पर बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर, ठीक है, तो नवंबर का समय था, शुरुआती हफ्तों की बात है ये तो, और रात का समय है तो एकदम ठंड है वहाँ पर। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, ओके, और लाइट वहाँ पर चमक रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, अब होता क्या है, अचानक से पानी गिरने लगता है, बहुत तेज पानी गिरने लगता है। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, तो क्या होता है, ठीक है, उसकी जो शर्ट उसने पहन रखी थी, वो पजामा पहन रखा था, उसके स्किन से चिपक जाता है, क्योंकि कपड़े गीले हो गए तो जिस तरीके से गीला कपड़ा स्किन से चिपकता है उस सेंस में बात की है। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो एकदम ठंडी हवा थी वो उसके चेहरे से होती हुई गुजरती है। ओके, आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक, तो वापस से वो बाजार की तरफ चला जाता है, मतलब बाजार से पहले मैदान की तरफ जाता है, फिर वापस बाजार चला जाता है, और वहाँ पर एक शेल्टर लेता है, वो एक घड़ी लगी हुई है, क्लॉक टावर है वहाँ पर, ठीक है, और वहाँ उसके नीचे बैठ जाता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में कितने बज रहे हैं, मिडनाइट का समय हो रहा है, मे बी 12 के आसपास का समय होगा।
I felt for the notes. फिर वो अपने नोट्स को देखता है, they were damp from the rain. और वो नोट्स पूरे भीग चुके होते हैं क्योंकि बारिश में वो भी भीग गया था, तो नोट भी भीग गए. अनिल्स मनी, ठीक है, वो कहता है यार ये अनिल का पैसा है. ओके, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा. वो क्या कहता है कि सुबह ये वो पैसे वैसे भी 2-3 rupees तो मुझे दे ही देता कि जाके सिनेमा देखा हो. बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी तो मेरे पास पूरा का पूरा पैसा है. क्लियर. I couldn't cook his meal, run to the bazaar or learn to write whole sentence anymore. अब वो क्या कहता है, कहता है कि अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता हूँ, बाजार नहीं जा सकता हूँ और ना लिखना सीख सकता हूँ, सेंटेंस नहीं बना सकता हूँ, अब आगे कुछ नहीं होने वाला ऐसा. I had forgotten about them in the excitement of the theft. अब यहाँ पे इसको पछतावा हो रहा है, कह रहा है कि मैं ये सब भूल गया, चोरी के जो एक्साइटमेंट था उसको लेकर मैं सब कुछ भूल गया कि मेरे पास क्या था. होल सेंटेंसेस, क्या कहता है, पूरे के पूरे वाक्य जो हैं. आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 1000 rupees. ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी पछतावा उसको हो रहा है. कह रहा अगर मैं पूरा सेंटेंस बनाना सीख गया ना, तो वो जानता है कि एक दिन उसके पास इतना आएगा, ये कुछ 100 rupees कोई मायने नहीं रखेंगे उसके आगे. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. वो क्या कहता है, कहता है कि देखो सिंपल क्या है, सिंपल तो यही है भाई, चुरा लो या कभी कभी पकड़े भी जाओगे. बट टू बी रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. अच्छा, यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि भाई चोरी करना क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल है एकदम चीज़, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, पकड़े जा सकते हैं. लेकिन एक बड़ा आदमी बनने में, ठीक है, एक चलाक आदमी और एक जिसके समाज में रिस्पेक्ट हो, ठीक है, ये कुछ अलग चीज़ है. आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. वो कह रहा मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, मैंने खुद को ये बात बताई कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए और ताकि मैं सिर्फ लिखना पढ़ना सीख जाऊँ कम से कम. आई हरेड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. अब वो वापस रूम की तरफ जाने लगता है. ओके, और उसको नर्वसनेस है बहुत ज़्यादा, उसको डर लग रहा है. क्लियर. फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. अच्छा, अगेन हियर इट कैन बी अ क्वेश्चन वाई दैट हरी सिंह और द थीफ वॉज नर्वस. क्लियर. वैन ही वॉज रिटर्निंग टू द रूम, तो क्या होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है, फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग, कह रहा कि कोई चीज़ चुराना ज़्यादा आसान है, ठीक है, किसी चीज़ को वापस करने से, और वो भी बिना, ठीक है, पहचाने, कि कोई आपको जाने ना कि आपने चुराया था, और उसको वापस करना ये ज़्यादा मुश्किल है, चुराना आसान है. आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे. उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और वहीं पर दरवाजे पर खड़ा हो गया. आई क्लाउडेड इन क्लाउडेड मूनलाइट, ठीक है, तो बढ़िया चांद की रोशनी है बाहर पे, ठीक है, और वहीं पर वो खड़ा हो गया, बादल भी छाए हुए हैं. ओके, अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी तक सो रहा है. आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, तो जहाँ पे बेड का सिराना होता है, जहाँ पे सर रखते हैं, क्लियर, तो उस तरफ वो धीरे से उसकी तरफ बढ़ा. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और उसने धीरे से वो नोट्स, ठीक है, निकाले. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, तो अनिल का जो मुंह है वो बिल्कुल उसी तरफ है, ठीक है, जहाँ से उसने वो नोट निकाली, तो क्योंकि उसको वापस उसी जगह रखना है, और अनिल जो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, तो उसकी जो ब्रेथ है उसने उसको अपने हाथ पे महसूस की. आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, तो कुछ एक मिनट के लिए तो बिल्कुल एकदम, ठीक है, स्टिल हो गया एकदम, ठीक है, जैसा था वैसे ही रहा. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर उसने धीरे से टटोला वहाँ पर, और ठीक है, जो गद्दे का किनारा था वो उसको मिलता है, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और धीरे से हाथ को नोट्स के साथ अंदर ले गया. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. तो अगली रात ये देर से उठता है, क्लियर, और क्या देखता है कि अनिल ने इसके लिए पहले से ही चाय बना दी. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, और इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है. कौन बढ़ाता है, अनिल हरी सिंह या चोर की तरफ हाथ बढ़ाता है. देर वॉज अ 50 rupee नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, तो दो उंगलियों के बीच में इसने 50 rupees का नोट रखा हुआ था. किसने, अनिल ने, मतलब अनिल, ठीक है, नोट किसको दे रहा है, हरी सिंह को. ओके, माई हार्ट सैंक, तो कह रहा मेरा दिल बिल्कुल डूब गया. I thought I had been discovered. उसको ऐसा लगा, उस चोर को ऐसा लगा कि इस, तो मतलब अनिल को सब कुछ पता चल गया है, अब इसका भेद खुल चुका है यहाँ पर. I made some money yesterday, he explained. तो अब यहाँ अनिल क्या कहता है, अनिल कहता है कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे. Now you will be paid regularly. अब तुम्हें डेली पैसे मिलेंगे. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. ठीक है, तो कहता है कि भाई जो उसकी आत्मा थी वो एकदम, ठीक है, हो जाती है भाई, अजीब सा उसको लगता है. लेकिन वो क्या देखता है कि जो उसने नोट लिया,
जो उस चोर ने, जो उस हरी सिंह ने नोट लिया वो अभी भी गीला था क्योंकि रात में तो नोट्स भीग गए थे सारे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, और अनिल क्या कहता है, आज से हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। तो कितनी अच्छी बात है कि किसी को उसकी गलती का एहसास नहीं कराया, खुद ही वो बंदा समझ गया। तो क्या कहता है, ये जो चोर होता है, हरी सिंह होता है, वो क्या कहता है कि अनिल को ये बात पता थी, ठीक है, लेकिन ना उसकी ओंठ ने इस बात का जिक्र किया, ना उसकी आंखों से उसने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं चोर हूँ या उसको ये बात पता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। तो क्योंकि इसकी आदत है, क्लियर, इस चोर की आदत है, तो ये इस बार अनिल की तरफ फिर से मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इट्सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। लेकिन इस बार ये स्माइल अलग थी। अगर पूछा जाएगा कि लास्ट स्माइल हाउ इट वॉज डिफरेंट, क्योंकि ये जो मुस्कुराहट थी वो खुद से आई थी। इस बार ये जो हरी सिंह या जो चोर है वो कोई नाटक नहीं कर रहा था, कोई अलग से दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था कि ऐसा है, वो बिल्कुल जेन्युइन स्माइल थी, बिल्कुल रियल स्माइल थी, और उसको अंदर से वो मुस्कुराहट आई थी। सो दिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ओके, एंड नाउ एज ऑलवेज यू कैन मेक नोट्स अबाउट दिस स्टोरी। ओके, थैंक यू।